रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशियंट। तो ब्रिटिश रूल के पहले जो विलेज इकोनॉमिक सिस्टम थी वो सेल्फ सफिशियंट थी। दो जी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन विलेज इट सेल्फ। तो एग्रीकल्चर और जो रिलेटेड सर्विस थी वो पीपल की नीड के अनुसार थी और उसमें वो फुलफिल नीड होती थी विलेज में ही। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। तो लैंड रेवेन्यू एक मेन सोर्स था इनकम का स्टेट का। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेशन क्रॉप। प्री ब्रिटिश पीरियड में रेवेन्यू कैसे था, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, मीन्स जो क्रॉप वो कल्टिवेट करते थे उसके आधार पर, पिक लगाते थे उसके आधार पर। द फार्मर वॉज एक्सपेंड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस क्रॉप। अगर लॉस हुआ क्रॉप में तो वो उनको रेवेन्यू छूट भी मिलती थी। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे, ग्रेन में। इवन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड। अगर टैक्स लेट भी होता था तो फार्मर का जो लैंड था वो कॉन्फिस्केटेड, मीन्स जब्त नहीं किया जाता था। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। लेकिन आफ्टर सम टाइम ब्रिटिश ने क्या किया, इम्पोर्टेंट चेंजेस किए रेवेन्यू सिस्टम में। लैंड वॉज मेजर एंड फॉर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स। फिर क्या किया उन्होंने, टैक्स फिक्स किया। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो पेमेंट टैक्स जो है वो कंपल्सरी किया कैश में। इफ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो उनका लैंड जो है कॉन्फिस्केट में जब्त किया जाता था। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लीड टू एक्सप्लॉटेशन ऑफ ऑल फार्मर। तो इस सिस्टम से जो फार्मर का एक्सप्लॉटेशन होने लगा था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देर वेर अनरिजिबल इफेक्ट ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ पे इसके अनिष्ट परिणाम हुए। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंडिया फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप एट वॉट एवर प्राइस इज रिसीव्ड। तो पेमेंट जो टैक्स उनको देना था इसलिए इंडियन फार्मर क्या कहते थे, जो क्रॉप जो है वो जो प्राइस मिलती थी एट दैट टाइम उसमें बेच देते थे। द मर्चेंट एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड एट मिनिमम रेट। तो मर्चेंट और जो ब्रोकर्स थे वो क्या करते थे, दलाल मिनिमम रेट ने परचेस करते थे वो गुड। एट अ सर्टन टाइम द फार्मर हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर फॉर द एग्रीमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स। तो मनी लेंडर के पास जमीन भी मॉर्गेज करनी पड़ती थी उनको। फार्मर बिकम बैंकक्रप्ट। इसलिए फार्मर क्या हुए, बैंकक्रप्ट हुए, कर्जबाजार हुए। इन द केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड। फार्मर को लैंड भी सेल करनी पड़ती थी। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट जमींदार मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट। तो जमींदार से, गवर्नमेंट से, मनी लेंडर से और मर्चेंट से फार्मर पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन में थे, मीन्स उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया चुका था, उन पे अन्याय हो रहा था। देन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स खेत का व्यापारीकरण। इनिशियली फूड ग्रेन्स वेयर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर। तो पहले फूड ग्रेन लगाते थे फार्मर। इट यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड एज वेल एज नीड ऑफ विलेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर इनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप लाइक काटन, इंडिगो एंड टोबैको। तो डोमेस्टिक नीड्स के अलावा विलेज की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद के फायदे के लिए कैश क्रॉप पर ज़्यादा जोर दिया, जिसमें कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फूड ग्रेन के अलावा जो कैश क्रॉप में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के जो पीक लगाए गए इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन, उसको कहते हैं इज नोन एज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स खेत का व्यापारीकरण। ओके, थैंक यू।